हो गया। वक्त आने पर मैं तुम्हें काम दूंगा, वो तुम्हें काम करना पड़ेगा। जी जा सकते। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? मैं भी ठीक। और आप पाकिस्तान कब आ रहे हैं? हाँ भाई, आप जल्दी ही पाकिस्तान आ जाएं, हम सबको आपका इंतज़ार रहेगा। हम दोनों मिलके अपना बिजनेस सेट करेंगे। ओके भाई, मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। मैं क्या हो गया? अबे भाई, अपना बिजनेस मलिक के साथ चल रहा है तो शंकर को बीच में क्यों ला रहे हो? ओ भाई, डबल प्रॉफिट के लिए आओ, मैं तो समझा। ओह वो तो ठीक है, पर असलम भाई का भाई है ना, और याद है तुम्हें असलम भाई को शंकर भाई ने मारा था, तो हम एक साथ कैसे बिजनेस कर सकते हैं? अरे बेवकूफ, ये बात हम दोनों के सिवा कौन जानता है? तीन। अच्छा, पर अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम फंस भी सकते हैं। नहीं फंसेंगे, तुम देखते जाओ मैं किस तरह शंकर भाई को सड़क पर लाता हूँ। फिर भी यार मुझे सही नहीं लग रहा। अच्छा सुनो, हम इन दोनों को पहले एक दूसरे से, शंकर और मलिक को मिलवाएंगे, और फिर एक दोनों को हम एक दूसरे के खिलाफ लड़वाएंगे। वो कैसे? और कैसे? सही। और भाई खैरियत? हेलो जी, तो एक्टिंग आपने हमारी अभी देख ली होगी, मगर ये बात उस जमाने की है जब हम स्कूल में हुआ करते थे और ख्वाबों की दुनिया में घूम हुआ करते थे। ना हमें कल की फिक्र थी ना आज की, और एक्टिंग का बुखार तो इस कदर सर पे चढ़ गया था कि हर सैटरडे संडे हमारा या तो मोबाइल के कैमरे के साथ गुजरता था या फिर निकॉन और कैनन की गलियों में। और स्टोरी इस कदर लिखी जाती थी कि जैसे एग्ज़ाम से एक हफ़्ता पहले प्रिपरेशन की जाती है ना, वैसे। मगर अब सब हर कोई बिज़ी हो गया, हर कोई अपनी लाइफ में बिज़ी है, तो एक्टिंग अब दूर हो गई लाइफ से। पर ऐसा नहीं है कि एक्टिंग का कीड़ा ख़त्म हो गया, वो अभी भी ज़िंदा है एक दिल की कोने में कहीं। पर अब कुछ कह नहीं सकते। नहीं, ये नहीं होता, बल्कि हाँ ये सही है कि इंशाल्लाह अगर आगे चांस मिला तो करेंगे, वरना टटा बाय बाय। और शुक्रिया आपका कि आपने कुछ मिनट्स निकाल के अपनी लाइफ के हमें दिए। अपनी दुआ में याद रखेगा, अगली वीडियो का इंतज़ार करेगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। गर्मी का महीना आ गया तो आम भी आ गए, और मीरपुर खास वाला दी मैंगो सिटी का ब्लॉग यहाँ पे शोर होगा, तो जाके चेक करें।